और ये है प्यारा सा बोगेनविलिया फ्लावर, और इसे पेपर फ्लावर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको टच करने पर बिल्कुल पेपर की तरह ये होता है। और देख ही सकते हैं मेरे गार्डन में कितनी सारी ब्लूमिंग हुई है। तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये थोड़े से कटीले होते हैं, इसमें कांटा निकला होता है इनके स्टेम्स में, बट इनके फ्लावर बड़े ही प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं और कई रंगों में होते हैं। जैसे ये मेरे पास तो रेड कलर में है, बट इनके जो पर्पल, वाइट, येलो, पिंक, ये सारे कलर में मिल जाते हैं। इनकी स्टेम कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, परमानेंट और हार्डी तो ये होते ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो गाइज, आज हम लोग परमानेंट और हार्डी स्टेम कटिंग प्लांट देखेंगे जिसकी कटिंग हम कभी भी लगाएं, किसी भी सीजन में लगाएं, वो आसानी से लग जाएगी और इनकी कटिंग ख़राब नहीं होती है। साथ ही साथ ये प्लांट हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहेंगे एक बार लगाने के बाद, उसके बाद हम ढेर सारे नए नए प्लांट भी बना सकते हैं। जितने भी प्लांट हैं ये सारे ही हार्डी भी हैं, लो केयर है और परमानेंट है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्लांट है ये रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट की स्टेम कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, ये भी कांटों वाले ही होते हैं, बट इसमें फ्लावर बड़े ही खूबसूरत होते हैं, ढेर सारे रंगों में होते हैं, वाइट, पिंक, येलो। तो रोज़ प्लांट की भी कटिंग आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, विंटर में भी इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें भी देसी और हाइब्रिड किस्में होती हैं। हमारे पास ये देसी रोज है और बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में मिट्टी जब होती है तो इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, बट अगर हमें पॉट में लगाना होता है तो हाइब्रिड रोज़ प्लांट ही हम नर्सरी से ले सकते हैं। इनकी स्टेम कटिंग भी आसानी से लग जाती है। ये है हिबिस्कस, इसे गुड़हल भी कहते हैं, और ये कई सारी वेराइटी में होती है, सिंगल और डबल पेटल के फ्लावर भी होते हैं और इनकी देसी और हाइब्रिड किस्में भी होती हैं, और इनकी स्टेम कटिंग भी ईजिली लग जाती है। परमानेंट प्लांट होते हैं ये, और इसमें विंटर में कई ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग भी होती है, तो आप इसकी स्टेम कटिंग भी लगा सकते हैं एनी टाइम। ये है अलमांडा फ्लावर, इसमें भी कई सारे कलर होते हैं, रेड और येलो, ज़्यादातर ये येलो और रेड में ही देखे जाते हैं। मेरे पास रेड कलर का अलमांडा फ्लावर है और विंटर में इसमें ब्लूमिंग होती है, और ये प्लांट जो होते हैं परमानेंट होते हैं और ये ट्री की तरह बड़े भी हो जाते हैं। इनको हम वैसे पॉट में भी लगा सकते हैं, इनकी स्टेम कटिंग भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी ईजिली लग जाती है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इसके बर्ड जो निकले हुए हैं और फ्लावर भी काफ़ी यूनिक और ख़ूबसूरत लगते हैं। बहुत ही लो केयर और हार्डी प्लांट होते हैं जिसमें कई सारे रंगों में ब्यूटीफुल फ्लावर की ब्लूमिंग भी होती रहती। ऑनलाइन अलमांडा फ्लावर को भी हम अवेल कर सकते हैं, इसमें ड्वार्फ अलमांडा की वैरायटी भी होती है, साथ में ये नर्सरी में भी मिल जाते हैं। और ये है फ्यूशिया प्लांट, जिसे बेल पेपर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें घंटी की तरह फ्लावर्स आते हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे कलर होते हैं इसमें। इसमें वाइट भी होता है, रेड भी होता है, पर्पल होता है। सो ये मेरा फेवरेट है एंड इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ही लगाई हुई है, और यहाँ से भी अगर हम चाहें तो छोटी सी कटिंग भी लगा सकते हैं, पतली वाली भी और मोटी स्टेम भी इसकी लग जाती है। बहुत ही इजी होता है इसका ग्रो करना, और ये हैंगिंग बास्केट से लेकर मीडियम साइज के पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं, कई बार तो ये ट्री की तरह हो जाते हैं और उसमें ढेर सारे फ्लावर भी आते हैं। तो फ्यूशिया फ्लावर भी बहुत ही अच्छा स्टेम कटिंग प्लांट है। और अभी जो आपने देखा वो रेड कलर का फ्यूशिया प्लांट था, और ये है पर्पल कलर का, और इसकी जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के भी होते हैं। इसके स्टेम्स आप देख सकते हैं कितने मोटे हैं, और वो पतले वाले स्टेम भी लग जाएंगे। इनफैक्ट इसके छोटे बड़े कोई भी कटिंग और मोटे पतले स्टेम भी लग जाती है बहुत ही ईजिली। और अभी इसकी कटिंग भी मैं लगाऊंगी, इनफैक्ट ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है फ्यूशिया प्लांट। अभी इसमें ब्लूमिंग नहीं हुई है, बट ब्लूमिंग होती है इसमें और बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर्पल और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है ये। ये कार्नेशन प्लांट है, इसकी भी कटिंग ईजिली लग जाती है, और मैंने भी कटिंग से ही कई जगह पे ये सारे प्लांट लगाए हैं, जैसे कि मैंने अभी ये कटिंग निकाल ली है। और इस तरह की कटिंग भी हम ले सकते हैं, छोटी कटिंग भी ले सकते हैं यहाँ से भी। और ये देखिए जितने भी ये नोड है इसके नीचे हम कट लगाएंगे, और इसको बस हमें सॉइल में डिप कर लेना है। तो ये कार्नेशन जो है कई सारे डिफरेंट कलर में होते हैं, जैसे वाइट, येलो, रेड, पिंक, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट परमानेंट होते हैं और हार्डी भी होते हैं। मेरे पास तो कई साल पुराना ये कार्नेशन है, और मैंने एक कार्नेशन से भी ढेर सारे कार्नेशन बनाए हैं। और अभी हम इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं क्योंकि ये प्लांट थोड़े से सूख भी गए हैं, तो कटिंग प्रूनिंग करते रहने से ये बुशी हो जाते हैं।
में किसी भी कटिंग को लगाने के लिए इनकी सॉइल मिक्स का ध्यान रखना होता है, जैसे लाइट और फर्टाइल रिच सॉइल मिक्स में लगाना होता है हमें कटिंग। अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग को कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, और जब ये प्लांट थोड़े बड़े हो जाए, रूट डेवलपमेंट उसमें हो जाए, तो उसको हम नए नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसा कि ये भी एक कार्नेशन है, ये ड्वार्फ कार्नेशन है, काफ़ी खूबसूरत लगता है इनका फ्लावर, एंड इसमें भी ढेर सारी रंग बिरंगी ब्लूमिंग होती रहती है। इनकी भी कटिंग लग जाएगी, और कार्नेशन की भी वैरायटी होती है, फ्लावर्स के भी कई सारे रंग होते हैं। और इस तरह जब भी कार्नेशन में ब्लूमिंग हो जाए तो इसके बड को हमें कट करके हटा देना होता है, सूखे हुए बड जो होते हैं, फिर इसमें नए नए ब्लूमिंग होती रहती है। और ये है नेक्स्ट कटिंग प्लांट, जिरेनियम। जिरेनियम में भी कई सारी वैरायटी होती है, और ये हैंगिंग जिरेनियम है, साथ में बहुत सारे जिरेनियम होते हैं जिसको हम पॉट में लगाते हैं। यहाँ भी एक जिरेनियम है, तो जिरेनियम की कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। जिरेनियम में भी वैरायटी होती है, कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, और ये भी परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं। किसी भी जिरेनियम की कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएगी, इनके भी नोड से हमें कट लगाना होता है। और मैंने भी इस एक जिरेनियम से ढेर सारी कटिंग प्लांट बनाए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ भी ये जिरेनियम की कटिंग मैंने लगाई हुई है, और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, और फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं जिरेनियम, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करते हैं। ये भी एक डिफरेंट जिरेनियम है जिसका बहुत प्यारा कलर है, और बंच में इसमें ब्लूमिंग होती है। और ये भी डिफरेंट वैरायटी का जिरेनियम है जिसे हैंगिंग बास्केट में हम लगाते हैं, और इसकी भी कटिंग ईजिली लग जाती है। यहाँ भी देखिए, ये सारे जो स्टेम्स हैं, यहाँ से हम इनके जितने भी नोट्स हैं वहाँ से हम कट लेकर और इनकी छोटी बड़ी कटिंग लगा सकते हैं। जिरेनियम का मैंने यहाँ पे कटिंग लगाया हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो ये भी परमानेंट और फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, बिगनर्स भी चाहे तो इस प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं, कटिंग वगैरह लगा सकते हैं इनके। और जितने भी जिरेनियम होते हैं, सालों भर इसमें ब्लूमिंग होती है, खिलते रहते हैं ये फ्लावर, बहुत सारे कलर्स में होते हैं, पिंक, वाइट, रेड, ऑरेंज, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, वैरायटी ऑफ कलर में होते हैं। और नेक्स्ट कटिंग प्लांट है ये डायंथस। डायंथस में भी डिफरेंट कलर और वैरायटी होती है, सिंगल और डबल पेटल भी होते हैं, और ये कलर में पिंक, वाइट, रेड, येलो सारे कलर में मिलते हैं, ज़्यादातर हमें पिंक और रेड में ही दिखाई देते हैं। इनकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, इस तरीके से यहाँ से बेस्ट कटिंग आप चाहे तो लगा सकते हैं, और ये इजिली लग जाएगी। और मैंने भी इनकी कटिंग ही लगाई हुई है कई जगह पे, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ईजिली लग जाती है ये कटिंग डायंथस की। रेड डायंथस है, ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है, और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ब्लूमिंग हो रही है, तो ये विंटर में भी ब्लूमिंग में होते हैं, विंटर फ्लावर होते हैं ये। और ये भी डायंथस है, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई हुई थी, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसमें ब्लूमिंग होने के बाद ये जो है जो डेड हो जाते हैं फ्लावर्स, या इसमें जो फेड हो जाते हैं, इनकी हम डेड हेड कर सकते हैं। डेड हेड करने से ये सूखते भी नहीं है प्लांट, और ब्लूमिंग भी होती रहती है अच्छी खासी। ये है ये डायंथस, वाइट कलर का ये डायंथस है, ये भी कटिंग से ही मैंने लगाया हुआ था, जो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और डायंथस को हम चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसकी एक कटिंग से आप ढेर सारे नए नए प्लांट भी बना सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया 4-5 पॉट डायंथस का, अलग अलग कलर्स में है, और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है इसमें, ढेर सारी ब्लूमिंग होती है एक साथ। प्लांट है ये प्यारे से रियो, जिसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, और इसकी भी कटिंग लग जाती है, इनको प्रोपगेट करना काफ़ी इजी होता है। इसमें बेबी प्लांट भी आते रहते हैं, ये देखिए यहाँ पर बेबी प्लांट है ये, तो इस तरीके से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। रियो प्लांट की भी ढेर सारी वैरायटी होती है, कलर होते हैं, जैसे वो मैंने ग्रीन लीफ वाले रियो दिखाया, और ये है रेड कलर का, जैसे ये देखिए बैक में इसका पर्पल है, और फ्रंट में ये ग्रीन कलर में है, तो पर्पल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। और ये जो फ्लावरिंग हो रही है, जब ये फेड हो जाएगी तो ये सीड प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से इसमें नए नए बेबी प्लांट भी आते रहते हैं। नेक्स्ट कटिंग प्लांट है ये इंग्लिश आईवी। आईवी की भी कई सारी वैरायटी होती है, छोटे लीफ और बड़े लीफ वाले भी, कलर भी डिफरेंट होते हैं,
और इनकी कटिंग भी इजीली लग जाती है। ये देखिए इसमें रूट्स भी एक्सपोज होते हैं इसके स्टेम्स में, तो इनकी छोटी बड़ी कटिंग भी लग सकती है और वाटर में भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं। इनकी रूट ग्रोथ हो जाने के बाद इसको हम सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं और इनको सॉइल और वाटर दोनों में ही प्रोपगेट किया जाता है। ये देखिए कितने नीचे तक हैंग हो गया है। तो ये वाइन प्लांट होते हैं, हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं, बट इन्हें मीडियम साइज़ के बड़े पॉट में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं। बहुत ही इजी होता है इनका कटिंग लगाना। मैं इसकी दूसरी वैरायटी भी दिखाती हूँ, जैसे कि एक यहाँ भी है इसकी आईवी की दूसरी वैरायटी। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप इसके लीफ के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आता है। ये हमारे गार्डन में बहुत ही डेकोरेटिव लगता है। इस तरीके से ये हैंग हो जाते हैं, वाइन प्लांट होते हैं तो इसको वॉल को कवर करने में भी यूज़ होता है। मैं इसका कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग मैंने लगाई हुई थी और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इनके स्टेम्स में ही रूट एक्सपोज होते हैं तो ये इजीली लग जाते हैं। यहाँ पर जो ये रूट देख रहे हैं, वाटर में भी इनको प्रोपगेट किया जा सकता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे रूट भी आ गया है इसमें। तो इस तरीके से स्टेम कटिंग हम लगा कर और बाद में इसमें जब रूट डेवलपमेंट हो जाए तो आप सॉइल में इसको सेट कर सकते हैं ताकि ये काफ़ी अच्छे से और जल्दी ग्रोथ हो जाए इसमें। और ये टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन की भी स्टेम कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। इसमें भी रूट बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं और वाटर में इसमें बहुत जल्दी रूट डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो वाइन प्लांट है इनके स्टेम कटिंग भी इजली लग जाती है, जैसा कि मैंने दिखाया अभी ग्लास में। इसमें वाटर में रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है, तो इन सब की भी स्टेम कटिंग लग जाएगी। ये टर्टल वाइन है और ये है बेबी सनरोज प्लांट्स। बेबी सनरोज प्लांट की भी स्टेम कटिंग बहुत ही ईजली लग जाती है। ये सकुलेंट होते हैं और परमानेंट होते हैं ये प्लांट। ये बेबी सनरोज है, बेबी सनरोज की भी कटिंग लग जाती है, जैसा कि मैंने दिखाया था वो कटिंग से ही मैंने लगाया हुआ है। बेबी सनरोज सकुलेंट होते हैं जो विंटर समर सभी में सर्वाइव करते हैं और स्प्रिंग टू टिल विंटर तक ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ में होते हैं। इसमें भी फ्लावरिंग होती है और इसकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। बहुत ही आसानी से इसे हम लगा सकते हैं और एक बार हमारे गार्डन में ये बेबी सनरोज आ जाए तो ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। स्पाइडर प्लांट, इसकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। इनको भी आप हमेशा ही अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं, सालों भर ये काफ़ी अच्छे से हरे भरे रहते हैं और विंटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए सारे ही स्पाइडर प्लांट है जो कटिंग से ही लगाए हुए हैं, प्रोपगेट किया हुआ है सारे ही स्पाइडर प्लांट को। स्पाइडर प्लांट के जो बेबी प्लांट होते हैं उनसे भी स्पाइडर प्लांट को काफ़ी अच्छे से प्रोपगेट किया जाता है और मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट को। स्पाइडर प्लांट की भी कई सारी वैरायटी होती है, ये मैं दूसरी वैरायटी दिखा रही हूँ स्पाइडर प्लांट की। जनरली ये स्पाइडर प्लांट देखा जाता है हमारे घरों में, बट ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये स्पाइडर प्लांट से भी मैंने ढेर सारी नई नई कटिंग प्लांट बनाए हुए हैं। ये देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट है इसमें जो बेबी प्लांट आए हुए हैं कितने सारे, इसमें हम नए प्लांट बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे नए नए प्लांट हम बना सकते हैं। और देखिए एक और खासियत, ये कितने छोटे से पॉट में ग्रो कर रहा है, तो स्पाइडर प्लांट की ये खासियत होती है और बिगनर्स भी इसे बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। और सबसे बड़ी बात है प्लस पॉइंट की, ये इंडोर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इंडोर भी इसे हाउस प्लांट के रूप में डेकोरेट कर सकते हैं हम, तो विंटर में भी ये अच्छे से चल पड़ते हैं। और ये कैलेंचो प्लांट है, कैलेंचो प्लांट की भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। ये भी कैलेंचो की दूसरी वैरायटी है और इसमें भी ब्लूमिंग होती रहती है विंटर में, और इनकी स्टेम कटिंग भी हम लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं और ये मैंने कैलेंचो की ही स्टेम कटिंग लगाई हुई है और काफ़ी सक्सेसफुल होता है इनकी स्टेम कटिंग लगाना। डिफरेंट कलर की स्टेम कटिंग है कैलेंचो की और फ्लावरिंग भी इसमें होती है विंटर में। और ये भी वंडरिंग जीव की ही कटिंग मैंने लगाई हुई है।
और ये प्यारे से लीफ वाला बेबी रबर प्लांट है जिसे पेप्रोमिया भी बोलते हैं, पेप्रोमिया की वैरायटी है। इसकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है, इनफैक्ट इसके लीफ में भी रूट ग्रोथ हो जाता है वाटर में अगर हम लगाए या सॉइल में। तो देख सकते हैं ये भी पेप्रोमिया ही है और सारी स्टेम कटिंग्स लगाए हुए हैं। एक मैं बास्केट में लेकर आई थी पेप्रोमिया बेबी रबर प्लांट और उससे मैंने ढेर सारे नए नए कटिंग प्लांट बना लिए। कटिंग से ही बनाया हुआ पेप्रोमिया है और पेप्रोमिया कम्प्लीटली इंडोर प्लांट होते हैं, इन्हें बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना होता है। बट अगर आउटडोर इसे रखना है तो शेड में रख सकते हैं हम। और ये भी एक सकुलेंट ही होते हैं और ये भी एक पेप्रोमिया है, पेप्रोमिया की दूसरी वैरायटी। इसकी बेस कटिंग लग जाती है बहुत ही आसानी से, जैसे कि यहाँ से हम चाहें तो इसमें दो हमें दिखाई दे रहा है, अलग अलग हम इस प्लांट को कर सकते हैं। सारे ही हमने इसकी बेस कटिंग से बनाए हुए हैं नए नए पेप्रोमिया। और यहाँ देखिए ये लीफ से भी प्रोपगेट हो जाता है पेप्रोमिया। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट के स्टेम कटिंग को और लीफ को मैंने वाटर में लगाया हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे से रूट ग्रोथ हो रही है। तो इसको अब हम चाहें तो एज इट इज़ वाटर में रख सकते हैं, नहीं तो इसे हम सॉइल में भी शिफ्ट कर सकते हैं पॉट में। इनफैक्ट इसके लीफ में भी रूट ग्रोथ हो जाती है वाटर में, तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट की स्टेम कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। सारे ही स्टेम कटिंग से मनी प्लांट लगाए हुए हैं और मनी प्लांट भी वाइन प्लांट की तरह होते हैं और इसमें भी रूट बाहर की तरफ निकली होती है, तो इजी होता है इनको प्रोपगेट करना इनके स्टेम कटिंग से, इनके लीफ से भी। और ये है पिंक सिंगोनियम, इसके भी कटिंग लग जाती है, इसके लीफ में भी रूट ग्रोथ हो जाती है मनी प्लांट की तरह और इसकी भी बेस्ट कटिंग हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे ये बेबी सिंगोनियम है, इसको भी मैंने इसके बेस कटिंग से ही लगाया हुआ है। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसना रिफ्लेक्सा, इसकी भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। ये इंडोर प्लांट होते हैं तो आप इसकी कटिंग ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए ये मेन प्लांट है, मदर प्लांट, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग निकाली थी और ये ऊपर तक काफ़ी अच्छे से जा रहा है। साथ में ये बुशी भी हो गया है, एक यहाँ भी कटिंग मैंने लगाई है और ये भी एक कटिंग प्लांट ही है जो मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया से निकाला हुआ है। और ये ग्रीन सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसकी भी वेरीगेटेड वैरायटी होती है। और जैसा कि ये देख सकते हैं इंडोर मैंने लगाया हुआ है क्रिसमस कैक्टस और ये भी कटिंग प्लांट ही मैंने लगाई हुई थी। एक छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ से लेकर आई थी, छोटी सी कटिंग, और अभी ये देखिए काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफी बड़ा हो गया है। और ये भी क्रिसमस कैक्टस ही है जो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया है ये। और इनकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने इसकी स्टेम कटिंग लगाई हुई है और ये भी चल रहा है काफ़ी अच्छे से। और ये है जेट प्लांट का लीफ, इसमें भी रूट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाता है। जेट प्लांट की कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है, जैसा कि ये जेट प्लांट की कटिंग मैंने इसमें लगाई हुई है और ये ठीक से लग गया है। यहाँ भी जेट प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। ये है मेन जेट प्लांट, मदर प्लांट जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें से मैंने कटिंग निकाल के जगह जगह पे लगाई हुई है और काफ़ी अच्छे से ये चल रहे हैं। जेट प्लांट भी सकुलेंट होते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और इनको पेयर में लगाना भी हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है। ये है पर्पल हार्ट प्लांट, इसकी भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएगी। ये भी मैंने स्टेम कटिंग से ही लगाया हुआ है, सालों भर ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये भी। और ये है रोजमेरी, रोजमेरी एक हर्ब होता है, इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाता है और मुझे याद है मैं इसकी छोटी सी कटिंग नर्सरी से लेकर आई थी और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी विंटर में भी ये कितना अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा इसका फ्रेग्रेंस होता है, फ्लेवर होता है। तो रोजमेरी की भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको कहीं भी मिल जाए। पुदीना भी बेस्ट कटिंग प्लांट होता है और एक कटिंग इसकी छोटी सी भी आ जाए या मार्केट से भी अगर हम लेकर लगा दें तो पुदीना हमेशा ही हमारे गार्डन में बने होते हैं। अभी विंटर में ये थोड़े से डल हो गए हैं बट ये देखिए ये नई नई स्प्राउटिंग इसमें हो रही है और स्प्रिंग से लेकर टिल विंटर तक ये बहुत अच्छी ग्रोथ में होते हैं, पूरे बास्केट को कवर कर लेते हैं। इन सबके अलावे कोलियस और पोल्काडॉट और यहाँ पे जो है सिनेसियो, ये सारे ही कटिंग प्लांट होते हैं, आप इनकी कटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों कटिंग प्लांट लग जाती है तुलसी प्लांट की, मैंने ट्राई किया हुआ है तो तुलसी प्लांट की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग प्लांट की कोई कमी नहीं होती और जब भी चाहे हम इनकी कटिंग लगा सकते हैं आसानी से।
एंड अगर मैं कटिंग प्लांट बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सकुलेंट की भी ढेर सारी कटिंग लग जाती है। ये सारे ही कटिंग से लगाए हुए सकुलेंट्स हैं, तो मैं एक सकुलेंट की भी कटिंग वाली वीडियो बनाऊंगी स्पेशली। बट ऑलरेडी मेरे वीडियो मिल जाएंगे सकुलेंट कटिंग कैसे लगाते हैं और कौन कौन से सकुलेंट कटिंग होते हैं। बट मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट गार्डनिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।